दोस्तों आज की कहानी है बहुतों दो वक्त की भी रोटी नहीं देती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे और नया वीडियो। शारदा जी खिलखिलाते हुए अपनी मित्र मंडली के साथ सुंदर कांड से लौटते वक्त पार्क में पड़े सावन के झूले झूल रही थी। साथ में सभी सखियां एक दूसरे से आज के आनंद की सरसा कर रही थी। ऐसी हंसती खिलखिलाती आवाज सुन अनीता जी को बहुत खेज हो रही थी। वे पार्क की बेंच पर बैठी बैठी खुद से बातें करने लगी। इन घरेलू औरतों के पास तो कोई काम ही नहीं है। सुबह शाम एक दूसरे के घर मंदिर पार्क टहलती मारती रहती हैं। उनका ये बड़बड़ाना शारदा जी सुन लेती अपनी सखियों को घर जाने का बोल अनीता जी के पास आकर बेंच पर बैठ जाती और उनके कंधे पर हाथ रख बोलती हैं, क्या हुआ अनीता जी, हमसे कोई भूल हुई, नाराज़ किया? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगी, मैंने तो आपसे कोई बात भी नहीं की, बड़ी ठसक में बोली। आपको बता देते शारदा और अनीता जी पड़ोसन है। जा अनीता जी पहले से इस कॉलोनी में रह रही हैं। शारदा जी ने कुछ सालों साल पहले ही उनके पास वाले प्लाट पर अपना मकान बनाया था। शारदा जी एक बहुत मिलनसार व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं। वे जल्दी सबसे घुल मिल जाती हैं। उन्हें लोगों से बातचीत करना बड़ा अच्छा लगता, खुशी हो या गम वो कॉलोनी में सबसे आगे खड़ी रहती हैं। सबके आड़े कामों में सबके काम आती है, कभी किसी को निराश नहीं करते। वे पूरी कॉलोनी में सबकी फेवरेट है, हर कोई उनके स्वभाव से प्रभावित रहता। अगर किसी आस पड़ोस वालों को कोई परेशानी हो तो वे समस्या के समाधान लेकर उनके पास पहुंच जाते। उसके उलट अनीता जी एक घमंडी और कड़क मिजाज। मेरा पैसे से सरकारी टीचर है, अपने काम की वजह से वे घर में कमी रहती थी। उनका घर उनके पति और नौकरों द्वारा चलता है। वे ना ही आस पड़ोस में ज़्यादा बातचीत करती, ना किसी से व्यवहार बनाती। अगर कोई गलती से उनके पास मदद मांगने के लिए आ जाए तो वह साफ इनकार कर देते। अगर कोई उन्हें भजन कीर्तन कॉलोनी के फंक्शन मीटिंग या शादी ब्याह में बुलाता था तो वे जाना उचित नहीं समझती। इस तरह वे कॉलोनी में रहते हुए भी थोड़ी कटी हुई थी। जब शारदा का घर उनके घर के पास बना तो अपने स्वभाव से मजबूर होकर भी वह अनीता जी से बातचीत करने की कोशिश करती, मगर अनीता जी हमेशा उसे ऐसे जताती थी कि हमें तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आयदा हमसे बात करने की कोशिश ना करना, हमारे पास फुर्सत नौकरी वाले, हम घर पर रहकर सोते नहीं रहते, हमारे पास वक्त की कमी रहती है। कुछ इस तरह से बातों बातों में अपनी मनसा जता दिया करती। जी आप तो वैसे भी हम लोगों से बात ही कहाँ करती हैं, शारदा जी ने मुस्कुराते हुए बोला। अनीता जी के पास शब्द नहीं थे। शारदा जी की तरफ देखने लगी। कोई बात नहीं, आप नहीं समझेगी, तब शारदा जी बोली, अरे कोई बात हो तो हमसे कहिए, हो सकता हमारे पास आपकी समस्या का समाधान हो। इतना सुनती अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, हम तो आपसे कभी अच्छा व्यवहार नहीं किए, फिर आप क्यों हमारी समस्या सुनने आ गई हैं? अरे जरूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी, हम तो यही समझ लेते और आपकी बातों का हम कभी बुरा नहीं मानते। उनकी मिर्ची सी मीठी बातें सुन अनीता जी बोली, बहुत घमंड था हमें अपनी नौकरी, दो बेटों का, अब साठ के हो गए, नौकरी चली गई, बहुए आई वे भी नौकरी वाली, अब सब अपने में लगी रहती हैं, किसी के पास हमारे लिए समय नहीं। बेटों से शिकायत करे तो कहते, आप भी तो हमें छोड़कर जाती थी, पैसा कमाना था, अब हमें भी तो जीने के लिए पैसा कमाना है तो बाहर निकलना ही होगा, घर में बैठे बैठे तो ये संभव नहीं
नौकरी के कारण पति को भी समय नहीं दे पाते थे। सोचा रिटायरमेंट के बाद साथ बैठेंगे, तो हमें रिटायरमेंट से पहले संध्या बेला में छोड़कर चले गया आस पड़ोस में। मैं भी किसी से अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब हमसे कोई बोलता नहीं। हम अकेले रह गए, कोई साई देने वाला पूछने वाला नहीं। बहू है, दो वक्त की रोटी तक नहीं देती, हमें बना बनाया खाने की आदत है। इसी बात पर घर में कलह होती रहती है। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैंने सबसे इतनी उम्मीद की, सबने मेरी उम्मीद तो तोड़ दी है, अब तो जीने की इच्छा भी नहीं बसी। कहते हुए रोने लगी, आपको बुरा लगे तो माफ करना अनीता जी, आपने दूसरों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली हैं, जिसके कारण आप दुखी हैं। आप कैसी बातें कर रही शारदा जी, उम्मीद क्यों ना लगाऊं, जिनके लिए पूरी जिंदगी कमाती रही, मशीन की तरह काम करती रही, अपने लिए समय हो ना हो सबका काम समय पर करती रही, तो इन सब से बदले में अब उम्मीद क्या क्यों ना करूं। बेटा बहू ही मेरी सेवा परवाह करे, इतना ही तो चाहती हूँ, इसमें क्या गलत हो गया जी, जरा बताए। थोड़े गुस्से में अनीता जी भड़कते हुए बोली, जी आपका कहना बिल्कुल समझ गई, मगर आप समझते क्यों नहीं, आपकी उम्र में जो काम आपने किया वही काम आपके बच्चे भी तो करेंगे। अब उन्हें अपने बच्चे पालने, अपने सुख भोगने, पैसा स्टैंडर्ड मेंटेन करता, जिसके लिए भी लगातार मेहनत भी कर रहे, जो आपको देखनी सही, और आपको भी अपनी दूसरी पारी में उनकी मदद करनी सही, उन पर बोझ ना बनना, उनका साथ दीजिए, देखिए आपकी सारी मुश्किलें सुटकियों में आसान हो जाएगी, क्योंकि बहन जी जिंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। अब आपको मौका मिला तो सब भूलकर उसका फायदा उठाइए, कैसे मैं कुछ समझी नहीं। देखिए सबसे पहले आप अपना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पार्क में टहलना, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम कीजिए, लोगों से मिलिए जुलिए, क्योंकि जितना लोगों से मिलते हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता, हर बार आप कुछ नया सीखते, कई नए सबक भी हमें मिलते, हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी मिलता है। रही खाने पीने की बात, तो जब तक आप समक्ष हैं आपको निर्भर होने की जरूरत नहीं, जितना आप बच्चों पर निर्भर होने की कोशिश करेंगे उतना ही वे आपसे सिड़सिड़ा आएंगे। माना आप उनकी जिम्मेदारी है, मगर फिर भी परेशानी तो होती है, जिन्हें हम जुटला नहीं सकते, काम वाले आते, आप उनकी सहायता लीजिए, थोड़ा रसोई में जाकर कुछ अपनी तो कुछ बच्चों की पसंद का पकाइए, अपनी साये कॉपी खुद बनाइए, कभी कभी अपने बेटा बहुओं को भी बुलाए, देखिएगा उन्हें भी एहसास होगा, कभी आपने कोई कमी छोड़ दी थी मगर अब आप उसे पूरा करने के लिए पूरे प्रयास करें, उनके मन में आपके लिए प्यार, सम्मान और इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। छोटे नाती पोतों के संग अपना जी बहलाए, कुछ शौक पूरे कीजिए, देखिएगा जहाँ आपकी उम्मीदें कम होगी आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। शारदा जी की सारी बात ध्यान से सुनने के बाद अनीता जी कुछ सोच कर बोली, मुझे देर हो रही, भूख भी लगी है, चलती हूँ। शारदा जी मुस्कुराई, लगता है मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, सिकने गड़े पर कितना भी पानी डालो कोई असर नहीं होता। कहते हुए वे भी अपने घर की ओर चल दी। 4 दिन बाद अनीता जी मंदिर में मिठाई का डिब्बा लिए महिला मंडली के बीच में पहुंच गई, सबको मिठाई खिला रही थी, सभी महिला आशीष अंकित थे। इतने वर्षों बाद ऐसा क्या हुआ, इनके घर में तो कभी किसी ने पानी भी नहीं पिया। तब वे बोली, अब से मैं भी आपके सुंदर कांड मंडली में शामिल होना चाहती हूँ। सभी महिलाएं हंसते हुए बोली, हाँ जी जरूर, हमें तो जितने ज़्यादा लोग हमें तो उतना ही मज़ा आता, सारी एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त हो गई। तब अनीता जी शारदा जी के पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी
आपने मुझे ज़िंदगी का बड़ा सबक दिया। माना आज तक मैं बच्चों को स्कूल में बच्चों को कई सबक सिखा चुकी हूँ, मगर आपने मुझे ज़िंदगी का बड़ा सबक दिया है। जितनी कम उम्मीदें उतनी ज़्यादा खुशी। मैंने आपके कहे अनुसार अपने जीवन में कुछ बदलाव लाए तो देखा बेटा बहू मेरे साथ अच्छे से पेश आने लगे। साथ में मेरा बूझा हुआ मन भी पुलकित रहने लगा। अपने पेंटिंग्स के शौक को दोबारा जीने लगी हूँ। अब आप सबके साथ भजन मंडली भी ज्वाइन कर रही हूँ और आपकी तरह अब मैं समाज सेवा की भी करूँगी। जिंदगी कुछ नया करने का मौका मिला उसे छोड़ अफसोस नहीं करना चाहती, उसका सदुपयोग तो करना ही चाहिए, ना कि रोते हुए दूसरों का मुंह ताकना चाहिए कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा। हमें अपनी मदद खुद करनी है ऐसा मूल मंत्र में आपसे ले सकती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। गलती में मुंह में मिठाई का एक टुकड़ा डाल देती हैं तो फिर अनीता जी आपसे मैं अपनी दोस्ती पक्की समझू जी। बिल्कुल पक्की समझिए। दोनों हंसते हुए गले मिल गई।